हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास टुडे। फर्स्ट चैप्टर रिवीजन वर्क दैट इज गोइंग ऑन। लॉट ऑफ रिवीजन वी आर डूइंग दिस टाइम इन हिस्ट्री, आई मीन विथ एक्स्ट्रा टाइमिंग्स, ईच डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल वेयर यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स फर्दर। गॉट इट? अब मेरे ख्याल से अब इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। गॉट इट? सो दिस इज चैप्टर वन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म इन यूरोप एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट। कल जो हमने बात किया था, इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द यूनिफिकेशन इन जर्मनी। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इटली यूनिफाइड। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, मेजर रोल प्लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क। गॉट इट? इटालियन यूनिफिकेशन में क्या है कि इटली में भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन वॉज देयर, मीन्स इट वॉज डिवाइडेड, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल प्रोविंसेस। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस में इटली वॉज डिवाइडेड एंड सेवरल डायनास्टी वॉज देयर। बहुत सारे रूलिंग कैटेगरीज वेयर देयर, रूलिंग डायनास्टिक डायनास्टीज वेयर देयर। मल्टीनेशनल, एक तो छोटी छोटी रहना, मतलब स्मॉल रूलिंग किंगडम्स वेयर देयर, आई मीन विच हैड देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्मॉल डायनास्टिक सक्सेशंस लाइक इन इंडिया व्हेन वी से लॉट ऑफ डायनास्टीज वेयर देयर, द मौर्या, द गुप्ता डायनास्टी, द मौर्या डायनास्टी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ बिग डायनास्टी विच एग्जिस्टेड विथ वेरी मेनी स्मॉल यूनिट्स ऑल्सो, स्मॉल डायनास्टिक रूल्स ऑल्सो, तो हम मुगल्स के बारे में बात करते हैं। सेम थिंग वॉज देयर इन इटली। द होल ऑफ इटली देवर स्कैटर्ड इन टू सेवरल डायनास्टीज, बहुत छोटी छोटी डायनास्टीज थी। एंड देन देयर वॉज मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर के ऊपर हमने, क्योंकि हैब्सबर्ग एम्पायर में देयर वेयर इटालियन स्पीकिंग पीपल, जर्मन स्पीकिंग पीपल, पीपल रशियन, हर तरीके के, आई मीन डिफरेंट कल्चरल, आई मीन कल्चरल यूनिट्स एग्जिस्टेड इन हैब्सबर्ग एम्पायर। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें हैब्सबर्ग, मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इटली। गॉट इट? मतलब कुछ हिस्सा उसका जो था वो हैब्सबर्ग एम्पायर का, दैट वॉज इन इटली। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, वी ऑल्सो नीड टू नो दैट इटली वो हैड मेजरली, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू सेवन स्टेट्स इन द, बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट द 19th सेंचुरी, तो टिल द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी क्या था? इटली वॉज डिवाइडेड इंटू सेवन स्टेट्स। गॉट इट? एंड इसमें डिफरेंट ऑल दी सेवन स्टेट्स, सारे सेवन स्टेट्स के बारे में तो हम जानेंगे ही, बट किस जगह पे, विच प्लेस, विच रूलर्स वे रूलिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन आई हैव शोन यू द मैप यस्टरडे, कल मैंने आपको मैप दिखाया था। इन दैट मैप वी हैव सीन कि इसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड सार्डिनिया पिडमॉन्ट। सार्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज देयर मेजर इटालियन प्रोविंस, मेजर इटालियन प्रिंसली हाउस वॉज एट सार्डिनिया पिडमॉन्ट।
गॉट इट. तो इट वॉज मतलब जो जहां पे विच वॉज रूल्ड बाय द ओरिजिनल इटालियन प्रिंस. इटालियन प्रिंसली स्टेट. ये सारे नाम आपको याद करने हैं. क्या होता है ना, यूनिफिकेशन की बात आती है तो आप खाली मज़िनी के बारे में बता देते हो एंड बिस्मा ये जूसेप मज़िनी एंड ऑल दीज पीपल, जितने भी लोगों ने मेजर रोल प्ले किया है उनके बारे में तो बता देते हो, बट व्हाट अबाउट द मल्टीनेशनल एम्परर्स? एम्परर्स के बारे में, किस जगह पे कौन सा एम्परर रूल कर रहा था, विच प्लेस विच एम्परर वॉज रूलिंग, यू मिस ऑन दैट. सो डोंट मिस ऑन दैट. ओके, सार्डिनिया पिडमॉन्ट बाय इटालियन प्रिंसली स्टेट, इट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली स्टेट. नेक्स्ट कौन सा था, नॉर्थ, द कंप्लीट नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स एंड द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप. नॉर्थ रीजन मतलब नॉर्दर्न इटली, नॉर्थ रीजन वॉज अंडर, क्योंकि ये था ना मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, तो नॉर्दर्न रीजन वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स. ठीक है, हैब्सबर्ग्स के अंडर में था एंड सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप. सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप. ओके, सेंटर सबसे पहले आप ये देखो कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट, इट वॉज ऑल्सो इन द नॉर्थ, सबसे टॉप मोस्ट एरिया में, इट वॉज द ओरिजिनल इटालियन प्रिंसली स्टेट वॉज सार्डिनिया पिडमॉन्ट. ओके, नॉर्थ में इट वॉज द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया के साथ लगा हुआ था, सो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर वॉज देयर. सेंटर वॉज रिमेंबर पापो, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो मैंने मैप में देखा था, पैपल स्टेट्स, द एरिया विच वॉज रूल्ड बाय पोप. गॉट इट. देन साउथ किसके अंडर में था, अभी साउथ ही बच रहा है, तो साउथ वॉज डोमिनेटेड बाय बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. साउथ वॉज डोमिनेटेड बाय बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. ओके, ये एक छोटा सा इटली का यहां पे देखो मैं मैप बना रही हूं. तो दिस वॉज बाय बर्बन किंग्स, मिडिल स्टेट दैट वॉज देयर एंड नॉर्थ दैट वॉज देयर. मैप तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, सो यू माइट बी वेरी क्लियर विद द मैप. तो इटालियन लैंग्वेज जो है, जो वॉट एवर लैंग्वेजेस वी आर स्पोकन, इन फैक्ट इटालियन लैंग्वेज वॉज नॉट स्पोकन यूनिफॉर्मली. हर जगह पे एवरीवेयर द लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इटालियन लैंग्वेज वॉज नॉट स्पोकन एवरीवेयर. इटालियन लैंग्वेज कुछ लोग बोलते थे कुछ प्लेसेस में, इटालियन लैंग्वेज अभी लैंग्वेज का भी यूनिफिकेशन नहीं था. Still, it has many regional and local variations. In some regions, it was spoken in a different language. And उसके बाद कुछ और region थे जहाँ पे कि the languages that were spoken, it had a different impact altogether. Got it? तो ये this is the background of the बैकग्राउंड. क्या मतलब इटालियन यूनिफिकेशन में कौन कौन सी जगह थी. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विच रीजन्स वुड बी यूनिफाइड, कौन कौन से रीजन को यूनिफाई करना है. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. नेक्स्ट इन पिक्चर कम्स इन 1830 आपको ये नाम, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम ऑल थ्रू दिस टॉपिक.
ठीक है, वो पहले ही था, ही हैड टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम एक इटालियन रिपब्लिक को बनाने के लिए, मतलब टू ब्रिंग यूनिफिकेशन इन इटली, ऑल दीज पीपल हैड टू कम टुगेदर, अ प्रोग्राम हैड टू बी मेड फॉर यूनिटेरी इटालियन रिपब्लिक. सो प्रोग्राम फॉर यूनिफाइड इटली वॉज टू बी मेड. क्योंकि आप देखो इतना बड़ा, वेन यू आर कैरिंग ऑन विथ सच अ बिग थिंग, वेन यू आर कैरिंग ऑन विथ सच अ बिग मूवमेंट, तो प्लानिंग तो बननी चाहिए, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्लान. मज़ीनी यू रिमेम्बर, आपको याद ही होगा. यस, एंड क्या प्रोग्राम इन्होंने बनाया, ही फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली वॉज फॉर्म्ड. ये तो यू नो, ठीक है, क्योंकि आप व्हेन यू नीड टू फुलफिल योर गोल्स तो यू नीड टू कीप सर्टेन टारगेट्स इन योर माइंड. आपको दिमाग में कुछ टारगेट्स लेके चलना पड़ेगा. इफ दीज टारगेट्स आर नॉट क्लियर तो द प्लानिंग कुड नॉट बी फाइनलाइज एंड द प्लानिंग कुड नॉट बी क्लियर. नाउ वॉट हैपेंड, देयर वॉज रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन 1831 एंड 1848. याद है इन द प्रीवियस टॉपिक्स वी हैव रेड कि अब the complete responsibility of unifying lay in the hands of Sardinia Piedmont. So revolutionary uprising was there. Revolutionary uprising in 1831 and 1848. So the complete responsibility now went Italian princely state. The major Italian princely state was Sardinia Piedmont. And responsibility went in the hands of आपको ये नाम याद करना है, सार्डिनिया पिडमोंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. सार्डिनिया पिडमोंट, गॉट इट? एंड हु वाज द रूलर? इटालियन किंग, इटालियन रूलर. नाउ द मैंटल फेल इन हिज हैंड्स ओनली. इस इटली को यूनिफाई करने का मेजर काम जो था दैट वेंट इन द हैंड्स ऑफ the Italian prince, King Victor Emmanuel II, King Victor Emmanuel II took the response. क्योंकि Victor Emmanuel II has to unify the Italian states through war. Victor Emmanuel II understood कि अब जो हो रहा है उसमें यूनिफिकेशन प्रोसेस को टाला नहीं जा सकता है, तो टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई इटली. गॉट इट? अब इसमें आपको विक्टर इमैनुअल टू का नाम याद रखना है एंड मज़ीनी का नाम याद रखना है. 1830s में यंग इटली द सोसाइटी दैट वॉज फॉर्म्ड, यू ऑल नो इट वेरी वेल, आपको पता ही है, यंग इटली का नाम याद रखना है. तो ऑल दीज रूलिंग पीपल, ऑल दीज इलीट ग्रुप विच वॉज देयर, ये जो हाई सोसाइटी के लोग थे, दीज हाई सोसाइटी पीपल न्यू दैट द कंप्लीट मेंटल लाइज इन देयर हैंड्स. And they understood there has to be economic development, political dominance, har ek cheez.
ऑल दीज रूलिंग एलिट्स इस रीजन में जितने भी रूलर्स थे दे वॉन्टेड अ यूनिफाइड इटली एंड दे सेड कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुड बी देयर, पॉलिटिकल डोमिनेंस वुड बी देयर. ओके सो मेजर देखो सबसे पहले क्या होता है ना किसी भी कंट्री में व्हेन देयर इज अ क्राइसिस एंड व्हेन द क्राइसिस हैज टू कम अप द फर्स्ट एंड द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एजेंडा पॉइंट हर एक कंट्री का जब शुरू होता है द एजेंडा पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. विक्टर इमैनुअल टू सेड कि पॉलिटिकल डोमिनेंस थोड़ा सा हमको ज्यादा पावर मिलना चाहिए एंड यूनिफिकेशन प्रोसेस में के बाद इकोनॉमिकली सपोर्ट ऑल द सपोर्ट दैट इज नीडेड इकोनॉमिकली इज ऑल्सो टू बी सॉर्ट आउट बाय देम ओनली. इन्हीं के हाथ में सारा कुछ होना चाहिए. गॉट इट. आप इसमें ये भी दे सकते हो एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ पॉलिटिकल डोमिनेंस बिकॉज व्हाट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ फेनोमेना बिहाइंड दैट कि वी हैव टेकन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी. काम सारा हमने किया और पावर हम किसी और को कैसे दे सकते हैं. When whole work has been done by us, all responsibility has been taken by us. So why the political dominance and political power to be given to somebody else? So isme major role was played by Chief Minister Cavour. Played important role. ठीक है. ही सेड कि ही इज द पर्सन ही टूक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही सेड दैट ही विल बी यूनिफाइंग द रीजन्स ऑफ इटली विथ नीदर वॉज इटली को ही विल बी यूनिफाइंग लाइक अ रेवोल्यूशनरी नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट. मतलब ऑल द एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन इलीट. ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन क्योंकि चीफ मिनिस्टर कैवर इनको हम बता अगर हम कहें कि वॉज ही अ लिबरल वॉज ही अ डेमोक्रेट ऐसा कुछ नहीं था. ही वॉज नीदर अ डेमोक्रेट नॉर अ रेवोल्यूशनरी. गॉट इट. बट ही टूक द कंप्लीट चार्ज इन हिज हैंड्स. इन्होंने कहा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड ही वॉज फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली ही वॉज फ्रॉम अ वेरी वेल्दी एंड एजुकेटेड फैमिली. तो ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन इटालियन. ही स्पोक फ्रेंच. काम कर रहे हैं इटालियन यूनिफिकेशन के लिए लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज के भी मास्टर हैं ये यहां बताया गया है कि ऐसा नहीं था कि ही वॉज एकदम इटली के लिए जान दे सकते हैं. जान दे सकते हैं बट देन रेस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज वॉज ऑल्सो देयर. ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन इटालियन. फिर इन्होंने क्या किया. हाउ डिड ही डू इट. इटालियन यूनिफिकेशन बिग वर्क. तो अ टैक्टफुल डिप्लोमैटिक अलायंस विथ फ्रांस. इन्होंने क्या किया. सबसे पहले ही मेड एन अलायंस. भाई किसी को तो आप अपने ग्रुप में शामिल करेंगे ना. ग्रुप बना रहे हैं ना. यू आर मेकिंग अ ग्रुप. यू आर डूइंग अ बिग टास्क. बड़ा काम आप कर रहे हैं. वेन यू आर डूइंग अ बिग वर्क यू नीड द हेल्प एंड द सपोर्ट ऑफ अदर्स. बाकी के लोगों की मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी. दैट इज फॉर श्योर. So he made यहां पे दो words use हुए हैं which you need to understand. Tactful
एंड डिप्लोमेटिक। बहुत सोच समझ के इन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस किया। ओके, ही मेड अ डिप्लोमैटिक रिलेशन विथ फ्रांस। Engineered by Cavour, ठीक है, Cavour। One person cannot do such a big task. तो एक और लोगों का सपोर्ट, एक और बंदे का सपोर्ट इन्होंने लिया एंड ही वॉज Cavour। सार्डिनिया पिडमोंट, they successfully defeated the Austrian forces in 1859. First war that was there, it was between Sardinia, Piedmont, North ko South ke saath, Sardinia, Piedmont defeated Austrian forces. Pehla war jo hua जर्मनी में तो 7 साल तक वॉर चलता रहा। जर्मनी हैड अ 7 इयर्स वॉर, सो मेनी कन, और हमेशा ऑस्ट्रिया तो सब जगह हार रहे थे, फिर भी ऑस्ट्रिया ऑलवेज हैड द ऑडेसिटी टू अटैक ऑन द अदर कंट्रीज एंड ट्राई टू कैप्चर देम। बहुत हिम्मत बहुत ज्यादा थी, तो दे डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। ओके, ईयर याद रखिएगा। फर्स्ट वॉर, पहले, सबसे पहले रेगुलर ट्रूप्स वेयर देयर एंड लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स ऑल्सो केम द पीपल हु हैड कम, दिस फोर्सेस हु हैड कम, ही व्हाट डिड ही डू, टैक्टफुल डिप्लोमैटिक रिलेशन दैट Cavour हैड, चीफ मिनिस्टर Cavour हैड विद फ्रांस। अब इनको एक और मदद मिल रही थी, दैट वॉज गैरिबाल्डी। ओके, बट बिकॉज अ पर्सन हु हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सक्सेसफुली कंप्लीट सच अ बिग टास्क, लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हैड कम अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरिबाल्डी। बिग फोर्स केम टू हेल्प अंडर, एंड इमेजिन हिज नेम, पहला एक ऑलरेडी थे, Mazzini वॉज देयर, यहां पे हिज नेम वॉज अंडर लीडरशिप ऑफ ज्यूसेप गैरिबाल्डी। ओके, बिग फोर्सेस ऑल टुगेदर ज्वाइंट, एंड अब इन्होंने क्या किया कि इनको ज्वाइन कर लिया 1859 के वॉर में, देर दे वेर Cavour हैड ऑलरेडी डिफीट वॉज इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। नाउ दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। 1860 में ये सारा काम हुआ। Cavour ने ऑलरेडी एक अभियान चलाया हुआ था एंड Garibaldi also joined him. 1860 May, they marched. ठीक है, साउथ पर पहले उन्होंने कहा कि साउथ से शुरू करते हैं। They marched into South Italy and Kingdom of Two Sicily. Marched into South Italy and Two Sicilies. दीज आर ऑल स्मॉल किंगडम्स, मैप में मैंने दिखाया था आपको, एक बार फिर दिखा दूंगी। आई विल शो इट टू यू वंस अगेन। टू सिसिलीज। अब यहां पे दे वेर सक्सेसफुल, दे गॉट द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स। वहां के जो पीजेंट्स थे ना, उन्होंने उनको बहुत हेल्प की, द साउथ, एंड दे वॉन्टेड, क्योंकि दे वेर वेरी फेड अप ऑफ स्पेनिश रूलर्स। शुरू में जो हमने पढ़ा दैट स्पेनिश रूलर्स, द बर्बन डायनेस्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ स्पेनिश रूलर्स,
उनको इन्होंने डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीजेंट्स एंड बिकॉज स्पैनिश रूलर्स वे आर नॉट रेडी. भाई पावर को क्यों कोई छोड़ना चाहेगा. स्पैनिश रूलर्स वे आर नॉट रेडी टू लीव द एरिया द इटालियन रीजन. दे वॉन्टेड की देयर रूल मस्ट बी कैरिड ऑन. वो खत्म नहीं होना चाहिए. बट देन 1861 में दे हैड वन. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट फाइनल यूनिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन 1861 अंडर विक्टर इमैनुअल टू वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ इटालियन यूनिफाइड इटली अंडर किंग विक्टर इमैनुअल. नाम सब याद करना पड़ेगा. इमैनुअल टू इटली वॉज यूनिफाइड. यहां पे वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज देयर दैट आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू कि जब वेन देवर देयर आर देयर इज पॉलिटिकल मूवमेंट एनी पॉलिटिकल मूवमेंट हैपेंस तो जो आम आदमी होता है ना द लोकल पीपल दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. उनको पता ही नहीं होता है कि व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन कि ये हो क्या रहा है. हाउ व्हाई इज इट हैपनिंग. इलिटरेसी वॉज वेरी है. पढ़े लिखे होते नहीं है. दे आर जस्ट द पीजेंट कैटेगरी. दिन भर खेतों पे काम करते हैं. सो दे डोंट नो दैट व्हाट व्हाई दिस वॉर इज हैपनिंग. व्हाट इज यूनिफिकेशन. व्हाई दीज स्टेट्स आर कमिंग टूगेदर. क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो रेट ऑफ इलिटरेसी वॉज वेरी हाई and they were unaware of liberal nationalist ideology. यहां पे ये जरूर बताना चाहूंगी मैं that the local peasants were unaware of all these political movements. Somebody asked them कि डू यू नो व्हाई दिस मूवमेंट इज हैपनिंग. ये सब क्या हो रहा है आपको कुछ पता है. तो दे सेड कि हाँ हाँ वी हैव सपोर्टेड गैरिबाल्डी साउदर्न इटली में. इटालिया उन्होंने कभी दे हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी प्लेस कॉल्ड इटली. दे थॉट कि विक्टर इमैनुअल जो है हु इज आवर किंग. ठीक है विक्टर इमैनुअल वॉज डिक्लेयर्ड द किंग. तो वो सबको बताया जाता है ना कि नाउ ऑनवर्ड्स आवर किंग इज विक्टर इमैनुअल टू. तो एंड द इटली इज यूनिफाइड एंड ला तालिया इज देयर विच वुड बी फर्दर नोन एज इटली. इटालियन यूनिफिकेशन हैड हैपेंड. सो दे सेड अच्छा अच्छा ला तालिया शी इज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ. ओके वी नीड टू रेस्पेक्ट. उनको पता ही नहीं था कि इटालिया ला तालिया इज द नेम ऑफ द कंट्री दे आर स्टेइंग इन. गॉट इट चिल्ड्रन. मैप एक बार फिर से दिखा देती हूँ. आई जस्ट शो यू द मैप सो दैट इट इज क्लियर. एंड देन द केस ऑफ ब्रिटेन वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. अभी एक बारी मैप दिखाती हूँ आपको. Students, just now we have discussed about the Italian unification. Here, certain countries that we are talking about, like Sardinia, Piedmont, you can see very well. ये यहाँ से unification process had started. लॉम्बार्डी वेनेशिया सबसे पहले. इसके बाद the Papal States were also conquered. Garibaldi, Cavour had played, Chief Minister Cavour had played a very important role in this. The original Italian state that existed was this. ये है, इसको याद रखना. Okay? Lombardy, Venetia, यहाँ पे है. Then, the central part was ruled by Pope. कल भी मैंने आपको बताया था. द प्रोसेस दैट हैड स्टार्टेड काफ़ी दिन तक ये चला. 1859 में मेजर वॉर हैड स्टार्टेड एंड सबसे लास्ट में किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज दैट वॉज बाय द रूल्ड बाय द बॉर्बन डायनास्टी ऑफ द स्पेनिश स्टेट
इसको इन्होंने कैप्चर किया। यहाँ से जो है द स्टोरी गोज फर्दर वेयर ईयर वाइज किस किस जगह पे इन्होंने कॉन्कर किया। आई एम टॉकिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर कैवर एंड द फोर्सेस इन इटली। दे हैव स्टार्टेड इन 1858 से 60 में। यू कैन सी दीज एरोज चारों तरफ ही लगभग इन्होंने कैप्चर कर लिया था। दिस वॉज हियर इन 1866 एंड 1870s में यहाँ पे आ गए थे। द पैपल स्टेट्स वेयर देयर इन 1870s में। एंड ये जो था यहाँ पे 1860 में दे गॉट द कंप्लीट पावर इन देयर हैंड्स ऑफ द किंगडम ऑफ टू सिसलीज। द रियल प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीटेड हियर एंड 1861 में द किंग वॉज किंग विक्टर इमैनुअल टू वॉज प्रोक्लेम द किंग। आई होप नाउ इट इज क्लियर। इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डिस्कस इट विद मी इन द ऑनलाइन सेशन। टिल देन चिल्ड्रेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।